Assalamualaikum and welcome back to my channel Tarab Khan Vlogs. Thank you. पति ठीक है। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जून में तो वैसे भी पीक की गर्मी पड़ती है ना। अच्छा आज मेरे पोर्च में ना कुछ ऑयल टाइप कोई चीज़ गिर गई थी तो उसको साफ़ करना था। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने खाली पानी डालकर ना उसको वॉश कर दिया। मैं जब पोर्च में आई तो मैंने देखा कि वो सारी जो लाइक ऑयली सी एक चीज़ थी, असल में वो मेरे हस्बैंड का कोई केमिकल था, वो उसी का उसी तरह पड़ा हुआ था। खैर मैंने पहले उस पर सर्फ़ डाला अच्छी तरह से, सर्फ से वो साफ नहीं हुआ तो फिर मैंने उसके ऊपर रेड वाला जो हार्पिक होता है ना वो डाला, अच्छी तरह से उसको स्क्रब करवाया और अब अल्लाह का शुक्र है पोर्च बिल्कुल साफ हो गया है। मैं जब तक पोर्च साफ़ करवाती रही हूँ ना, यकीन करें मेरे पाँव जलने लग गए थे, इतनी गर्मी थी। और अभी तो मैंने शूज़ पहने हुए थे। इन लोगों को मैं कहती रहती हूँ कि तुम लोगों के पाँव नहीं जलते, तुम्हें कुछ फील नहीं होता। ये लोग शायद इसी तरह, इनका ब्रॉटअप हुआ हुआ है, ये लोग इसी तरह रहने के आदि हैं। मैं इनको समझाती भी हूँ, इनकी ग्रूमिंग भी करने की कोशिश करती हूँ कि अब तुम लोग शहर में आ गए हो तो शहर के तौर तरीके सीखो, लेकिन भाई इनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं इससे ज़्यादा इन्हें कुछ नहीं कह सकती। ये बात मैंने अपने व्लॉग में आज इसलिए मेंशन की है कि बहुत सारे लोग फिर मुझे कमेंट्स करते हैं कि कम से कम आप अपनी हेल्पर्स को शूज़ ही दिलवा दें। तो देखें मैं हर चीज़ का उनकी ख्याल रखती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है ना। अब अगर वो लोग नहीं शूज़ पहनना चाहती, मेरे बार बार कहने के बावजूद नहीं पहनती, तो इसमें मैं अब क्या कर सकती हूँ। तो खैर यहाँ पर आज मैंने बोनलेस काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिया था। एक तो मुझे शामी कबाब बनाने थे, साथ में मुझे चिकन पॉप्स बनाने थे, और फिर बोनलेस कढ़ाई के लिए भी मैंने मीट आज ही मंगवा लिया था। तो बस ये सारा मैंने धो लिया है इनके पीसेस करके, और इनको ज़िपलॉक बैग्स में बंद करके मैं फ्रीज़ कर दूंगी। फिर जिस दिन मुझे पकाने होंगे ना मैं निकाल लूँगी, इस तरह मुझे मुश्किल नहीं होती और पकाने का काम भी आसान हो जाता है। आज किचन का काम ज़्यादा था, लेकिन आज मुझे जीवन मार्केट भी जाना था। असल में अम्मी की कॉल आई थी कल मुझे कि अगर लेसेस वगैरह लेनी है तो आ जाओ जीवन मार्केट चलते हैं। तो मैंने बहन को भी कॉल कर दी थी, उसने भी अपने लॉन के सूट सिलवाने थे। आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग में तो शेयर किए थे ना, तो वही सूट हमने सिलवाने थे। इसी तरह अम्मी के भी लॉन के 3-4 सूट थे, तो हम सब ने ना लेसेस लेनी थी। तो यकीन करें बहन का घर एक कोने में है, मेरा घर एक कोने में और अम्मी का घर एक कोने में, लेकिन जब भी हमने लेसेस लेनी होती है ना तो हम इकट्ठे होकर फिर जीवन मार्केट जाते हैं और एक ही बार वहां से फिर सारी लेसेस बाय कर लेते हैं। सूट्स ख़रीदना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता सीरियसली, जितना मुझे सूट सिलवाना मुश्किल लगता है। इतनी बारीक भी ना हो, लगी हुई नजर नहीं आती। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ मशीन आएगी, ये यहाँ आएगी ना, ये तो नजर आएगा तो प्यारा तो लगेगा। नहीं इधर थोड़ी है, यहाँ सिलाई आती है, यही तो डिजाइन प्यारा लगता है। ये लेस ये किस तरह है? 480 और ये वाली इसका भी बताओ भाई, ये 550। मेरी बहन और मेरी भाभी बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन कर लेती हैं, और जब वो अपने सूट सिलवाती हैं ना तो पहले वो प्रॉपर कागज़ पर ऐसे सारी डिज़ाइनिंग कर लेती हैं और उसके बाद फिर सारी लेसेस या बटन्स जो भी उन्होंने बाय करने होते हैं ना वो बाय करने के लिए आते हैं। लेकिन मेरा ये तरीका नहीं है भाई, मैं तो सीधे सादे कपड़े पहनती हूँ। अगर मैंने बाहर आने जाने के लिए कपड़े पहनने हैं वो मेरे अलग होते हैं, घर वाले जो कपड़े होते हैं वो मेरे अलग होते हैं। जो मैंने बाहर पहनने होते हैं वो मैं हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी वाले लेती हूँ, और लेस लेती हूँ जो कि सिर्फ मैं चौक्स घेर और स्लीव्स के कॉर्नर्स पर और नेकलाइन पर लगवा लेती हूँ, और लेस भी मैं हल्की फुल्की लगवाती हूँ। और जो मेरे घर वाले कपड़े होते हैं वो बिल्कुल मैं विदाउट एम्ब्रॉयडरी लेती हूँ, और लेकिन उन पर मैं लेस ज़रूर लगवाती हूँ ताकि थोड़ी सी उनकी खूबसूरती इन्हेंस हो जाए। ये मेरा सैफायर का सूट है, मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में भी शेयर किया था, उनकी सिग्नेचर कलेक्शन में से है। अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, आप लोग वहाँ जाकर मेरी शॉपिंग देख सकते हैं। तो इसके लिए ना मैं लेस लेने के लिए आई हुई थी और इतनी लेसेस देखी। अभी देखें यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सेम कलर है, लेकिन कलर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। काफ़ी लेसेस मैंने इसी शेड में निकलवाई लेकिन कोई भी लेस जो है ना वो जा नहीं रही थी सही तरह से, कलर मैच नहीं हो रहा था। तो एट दी एंड यही होता है कि फिर
व्हाइट कलर में लेकर और हमें डाई करवाना पड़ता है। जीवन मार्केट में हिना लेस सेंटर वाले हैं, हम लोग सारी लेसेस इन्हीं से लेते हैं क्योंकि इन्हीं के पास सबसे ज्यादा वेरायटी होती है। तो यहाँ पर मैंने काफी शेड्स देखे और साथ में दो तीन और लेस सेंटर भी थे, वहां पर भी मैं गई लेकिन नहीं मुझे कलर बिल्कुल भी मैच करता हुआ मिला ना, तो फिर मैंने यहीं से व्हाइट कलर में एक लेस ले ली थी। और साथ में ना ये लोग खुद ही डाई होने के लिए दे देते हैं और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको डाई करवा कर दे देते हैं, इनकी ये सबसे बड़ी आसानी है। और हम इनके क्योंकि प्रॉपर आप कह लें कि ग्राहक हैं तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फिर ये कर्टेसी शो करते हैं, हमारा काम जैसे हमने लेसेस वगैरह डाई करवानी हो तो फिर हमें जल्दी जल्दी डाई करवा कर दे देते हैं। मैं तो 5 गज ही लूंगी, 5 गज 10 गज दे दो, अलग अलग 5 अलग 5 अलग। ये ब्लू सूट भी सैफायर की कलेक्शन से है, मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया था, और ये मेरी बहन का भी है और मेरा भी है, इसलिए हम दोनों ने लेस भी सेम ली है। अब ये बस यहाँ पर हम कटवा रहे हैं, 5 गज उन्होंने लिए है, 5 गज मैंने लिए है, तो साथ के साथ ही ये भाई हमें इसी कलर में डाई करवा कर दे देंगे। मैंने 2 सूट्स के साथ की लेसेस ले ली हैं और वो डाई होने के लिए चली गई हैं, बहन ने भी ले ली हैं। अब मेरी बहन जो हैं वो अपने इस सूट के साथ के लिए बटन्स पसंद कर रही हैं, ये भी उनका सैफायर का सूट है और उनकी ईद कलेक्शन में से है। अम्मी ने भी 3 डिफरेंट तरह की लेसेस ली हैं, वो भी डाई होने के लिए गई हुई हैं। लेट्स सी अब बहन को बटन्स कौन से पसंद आते हैं। ये वाइट के साथ है, ये ऑफ वाइट के साथ भी है, कलर ये ऑफ वाइट, ये अच्छा, इसमें वाइट ये अच्छा है, इस कलर में दिखानी है फिर ये है ना, ये दिखाइए ऑफ वाइट ये करनी है, नहीं ये शाइनिंग ना है, सिंपल चाहिए, सिंपल यार देख भाई ढाई नहीं है, ये दिखाना और दिखाओ ढाई की कोई डिजाइन, ढाई के दिखाओ डिजाइन जरा, नहीं 2.5 छोटा होता है, फिर 2.8 वाला दिखाओ। बटन्स और लेसेस लेने के बाद हम लोग आ गए चूड़ियों के एक स्टॉल पर। जीवन मार्केट में ना चूड़ियों की कोई एक सिंगल शॉप भी नहीं है, वहाँ पर बस एक ये ज्वेलरी की शॉप है, कॉर्नर पर ये भाई बैठे हुए हैं और इनकी बहुत बड़ी ज्वेलरी की शॉप है। इनके पास हर तरह की माथा पट्टी, टीका, एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स, बुंदे, टॉप्स, हर तरह की वैरायटी इनके पास होती है। हाँ, चूड़ियों की वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेटालिक बैंगल्स होती हैं इनके पास, तो जो हैं उन्हीं में से हमें बाय करना पड़ते हैं। ये ठीक है, ये साइज क्योंकि ये फ्रूट में ये वाला दिखाओ बेटा, ये बस ये ठीक है, पर ये और ये एक ही साइज है, ये फर्क है, एक ही साइज है, बहुत भारी है, ये दिखाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं अम्मी को कह रही थी कि जल्दी से कोई सेट पसंद कर लें, ये सेट मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन अम्मी कहती कि ये हैवी बहुत है और किसी ना किसी सेट में ना कोई मसला ज़रूर था, किसी का डिज़ाइन हमें नहीं अच्छा लग रहा था, जो हमें अच्छा लग रहा था उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था और कोई एक्स्ट्रा ही भारी था। खैर हमने यहाँ पर काफ़ी देखा कुछ, लेकिन एंड में हमने यही डिसाइड किया कि अनारकली या लिबर्टी से जाकर ही हम बैंगल्स बाय करेंगे। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।